मध्य प्रदेश के हरदा में बीते दिनों पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने जिले के सभी कलेक्टरों को अवैध पटाखा व्यापारियों पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके चलते सागर में भी कलेक्टर दीपक आर के द्वारा अवैध पटाखा कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। पुलिस ने बीते 2-3 दिनों के भीतर कई जगह पर कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बीच फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लेधोरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। जी हां, ऐसी ही एक और कार्रवाई सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रावतपुरा सरकार कॉलेज के पास स्थित गोदाम में विस्फोटक आतिशबाजी पटाखे की चेकिंग की गई, जिसमें अवैध रूप से पटाखे का भंडारण पाया गया। मोतीनगर थाना पुलिस ने इन पटाखों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, मोतीनगर थाना पुलिस ने अब तक 14,000 किलो विस्फोटक आतिशबाजी पटाखे कीमती तकरीबन 40,85,000 रुपए जब्त किए हैं और इन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए हैं। वहीं भंडारण करने वाले व्यापारियों की पुलिस जानकारी लेकर चिन्हित कर रही है, जिनके लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। इसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त रूप से एक कार्रवाई चल रही है। इसमें पूरे सागर जिले में जितने भी प्रथम स्तर पे जितने लाइसेंस दिए गए हैं विस्फोटक भंडारण के लिए, उनकी चेकिंग की जा रही है। कहीं कोई इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या फिर जो उसमें सीमा दी गई है उसके बाहर जाके तो कोई भंडारण नहीं कर रहा है, ये सारी चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा एक बिंदु ये है कि बिना प्रॉपर लाइसेंस के कहीं कोई अवैध रूप से फटाखा का भंडारण तो नहीं किया हुआ, ये भी चेक किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 FIR इसमें दर्ज हुई हैं, अलग अलग जो इस तरह की हैं, जिसमें कि फटाखों का जब अस्थाई लाइसेंस मिलता है, जो फटाखा दुकान लगाने के लिए बिक्री करने के लिए उस समय जिनको लाइसेंस मिलता है, अपने सीज़न के बाद जब उसकी अवधि ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी वो अपने दुकानों में या किसी भंडार गृह में अवैध रूप से कुछ पटाखे रखे हुए हैं, ऐसे 3 प्रकरणों में कार्रवाई हुई है और ये जारी रहेगी लगातार। पूरे SDM SDOPs को और तहसीलदार थाना प्रभारी को इसमें ज्वाइंट टीम बनाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। ये सभी अपने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल हरदा के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद अब पुलिस महकमा अवैध पटाखा व्यापारियों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर।